मूल बिंदु में एक भाव रहता था, जोड़ना। हर प्रकार की चीज को जोड़ना। वे भूतकाल को भविष्य के साथ की जोड़ने में लगे रहते थे। वे विपरीत विचारधाराओं को भी जोड़ने में लगे रहते थे। और उनके इस व्यक्तित्व के कारण 1975 में जब आपातकाल आया, संघ परिवार के लोग, लोकतंत्र में विश्वास करने लोग सारे जेल में थे, लेकिन एकनाथ जी उस समय शासन में बैठे हुए लोगों के लिए भी बातचीत करने का एक अच्छा माध्यम बने हुए थे। ये बात शायद उतनी प्रकट नहीं हुई है। जिस प्रकार से विनोबा जी भावे उस समय आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए एक जगह बने थे, वहां जाते थे, और विनोबा जी का उनको थोड़ा एक आध भाग के काम में भी आ गया था, लेकिन एकनाथ जी नारडे पूरी स्थितियों में से बाहर कैसे निकला जाए, किन किन लोगों से विचार विमर्श किया जाए, शासन में बैठे हुए लोगों को एकनाथ जी पर भरोसा है, उनसे बात की जा सकती है, और एक महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि उन दिनों में मैं उनके साथ काफी समय रहा था, मैंने इसको, उनके इस कार्य को बड़े निकटता से देखा था। क्योंकि वह सबको लगता था कि एकनाथ जी को भी कभी अरेस्ट कर लेंगे, एकनाथ जी को भी जेल में डाल देंगे, लेकिन उनके इस व्यक्तित्व के कारण वे एक प्रकार से उन दिनों में माहौल और ज्यादा न बिगड़े, समस्या के समाधान के रास्ते खोजे जाए, इसमें अहम भूमिका एकनाथ जी रानडे ने निभाई थी।